काउंटर रहने वाले, ये बेसिकली बेकरी के लिए डिजाइन, ये सारे एयर कूल्ड के अंदर रहने वाले। क्लियरनेस मतलब ऐसे लगता है कि वो सामने एकदम पड़ा है, प्रोडक्ट है वो एज इट इज दिखने का जैसा कि आपने बनाया प्रिपेयर किया, वो सारी लेजर कटिंग के अंदर मिलने वाली, कलर नहीं छूटता हुआ दिख रहा होगा, वो भी डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर मिलेगा, वो विनाइल प्रिंटिंग आपकी हुई हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं ना मेरी तो स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये है बेसिकली स्वीट डिस्प्ले काउंटर, या आप इनको बेकरी डिस्प्ले काउंटर भी कह सकते हैं। बेकरी के लिए थोड़ा सा अलग होता है कंसेप्ट और स्वीट्स के लिए अलग होता है, तो वो टेम्परेचर उस हिसाब से सेट किए जाते हैं और कूलिंग उस हिसाब से सेट की जाती है। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको स्वीट डिस्प्ले काउंटर अगर परचेज करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कैसे स्वीट डिस्प्ले काउंटर हमारे रहने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या हम लोगों ने काम किया हुआ है और किस पर्पस के लिए ये यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि ये जो डिस्प्ले काउंटर रहने वाला है, ये बेसिकली बेकरी के लिए डिजाइंड है, तो ये बेकरी के डिस्प्ले काउंटर रहने वाले। तो सारे जो आप ये देख रहे होंगे फ्रंट के अंदर जो है, ये सारे एयर कूल्ड के अंदर रहने वाले, किसी को एयर कंडीशनल कूलिंग भी कहते हैं, एसी कूलिंग भी कहते हैं, तो ये बेसिकली सारे एयर कूल्ड वाले रहने वाले हैं डिस्प्ले काउंटर। और मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस टाइप की क्वालिटी इसके अंदर बनाते हैं, क्या चीज़ें आपको डिफरेंट मिलने वाली है बाकी वेंडरों से। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग आते हैं गिलास के ऊपर। तो पहले सबसे पहले आप देखेंगे जो गिलास है, आपको इसका जो कलर्स आ रहा होगा ना, ये ब्लूइश कलर के अंदर आ रहा होगा, जहाँ की आपको ग्रीनिशनेस आ रही होगी इसके अंदर। तो इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, जो आपका जो कलर का इसका बेनिफिट होता है, इसका मेन बेनिफिट ये होता है, जो सामने से जो कस्टमर आपका फूड देख रहा है, प्रोडक्ट देख रहा है, जो खरीद रहा है, उसको क्लियरनेस मतलब ऐसे लगता है कि वो सामने एकदम पड़ा है, मतलब गिलास एकदम वो नहीं लगता कि गिलास का कलर ग्रीननेस आ रही है, उसका फेड हो रहा है। जैसे अंदर कई बार क्या होता है, कलर कुछ और होता है, अलग दिख रहा होता है, तो ये आपको कभी इश्यूज नहीं आने वाले। तो इस ग्लास का मेन फायदा ये होता है एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज दिखने का जैसा कि आपने बनाया प्रिपेयर किया। और सेकेंडरी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे जो इसके अंदर जो फ्रंट के लिए आपकी कटिंग हो रखी है ना, जो एयर निकलेगी वो सारी लेजर कटिंग के अंदर मिलने वाली है, और सारी जो कॉइलिंग है ना वो सारी कॉपर के अंदर इसके अंदर हुई हुई है, कोई भी एल्यूमिनियम वर्क हम लोग इसके अंदर हम तो करते ही नहीं, शुरू से ही नहीं करते तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर। तो ये सबसे मेन खासियत है। आप देखते हैं एक्स्ट्रा सफाई के लिए इसके अंदर क्या किया हुआ, एक्स्ट्रा डिस्प्ले मतलब सुंदर लगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे फ्रंट के अंदर जो लगा हुआ है ना, जो डिजाइन आप ये देख रहे होंगे, पैटर्न लगा हुआ है, ये सारा गोल्डन लगा हुआ है, वो भी मिरर फिनिश के अंदर, ना कि आपका ये ग्लॉस फिनिशिंग के अंदर रहने वाला। तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि यहाँ इनका जो थीम है उसके हिसाब से आपको देखेंगे तो इसमें जो बैटर बैठ रहा था, जो हमें अच्छा लगा, वो हम लोगों ने उनको गाइड किया कि आप जो है इसके अंदर जो है मिरर फिनिश के बजाय आप इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, आप मैट फिनिश के अंदर जो है वो लगवाइए। तो ये आपका काफ़ी मतलब देखा जाना चाहिए कि आपका इंटीरियर क्या हो रखा है, तो उस हिसाब से अगर डिस्प्ले काउंटर भी हो तो वो आपका जो ब्यूटीनेस होती है ना आपका आउटलेट की, वो अलग से ही आपकी निखर के आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ और मेन बेनिफिट क्या है इसके अंदर। आप यह देख रहे होंगे जो टॉप है इसके अंदर कोरियन रहने वाला है, वो भी वाइट के अंदर आपका रहने वाला है। तो ये मेन बेनिफिट इसके अंदर क्या मिलेगा, जो आपका जो कोरियन है ना, ये कभी येलोनेस नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कई जो वेंड आपने के डिस्प्ले काउंटर देखे जो सस्ते वगैरह मिलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो ये आपका जो कोरियन पत्थर है ना, ये थोड़े टाइम के बाद 6-7-8 महीने के बाद वाइटिश की जगह वो क्या कहते हैं येलोइश थोड़ा आपने देखा होगा कलर आने लग जाता है। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो कोरियन है ना वो थोड़ा हल्की क्वालिटी का लगा होता है। अब जैसे कि मैं इसकी बात करूँ तो ये 700 रुपये स्क्वायर फिट आया, और इससे जो आपका नीचे आप ग्रेड आता है वो 450 रुपये स्क्वायर फिट आपका इसके अंदर आता है। और इसके अंदर भी और भी एक चीज़ आती है, अब जैसे ये 12 mm थिक है तो इसके अंदर एक आपका और आता है, वो 6 mm थिक आता है, और वो और भी सस्ता पड़ता है। तो वो वही बात है, जैसा आप पैसा दोगे, जैसे आप क्वालिटी चाहोगे उस हिसाब की आपको क्वालिटी मिलेगी। अब मैं आपको थोड़ा बैक की तरफ लेके आता हूँ, तो बैक की तरफ हम देखते हैं। बैक की तरफ आप आएंगे तो इसके अंदर जो स्लाइडिंग मिलने वाली है ना आपको, ये सारी पाउडर कोटिंग के अंदर मिलेगी, ब्लैक के अंदर मिलेगी। आप ये देखोगे पाउडर कोटिंग ब्लैक के अंदर होता है, और कहीं भी आपको ना इसका कलर नहीं छूटता हुआ दिख रहा होगा। ज़्यादातर क्या होता है, लोग सिल्वर यूज़ कर देते हैं और सीधा आपको दे देते हैं। और बैक साइड में आप ये देख रहे होंगे जो ग्लास लगा हुआ है ना, ये फ्रंट से अगर कोई देखेगा तो उसको बैक का कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये मिरर ग्लास रहने वाला है। तो इसका मेन बेनिफिट क्या है, जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो मैं सेल वाला सेलर हूँ, जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे को तो सारा सामान दिख रहा है, मगर वहाँ से जो परचेजर है, जो खरीदर है, बायर है, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा कि वो पीछे बंदा क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसके पीछे क्या पड़ा है उसके पास। तो ये एक मेन बेनिफिट आपका रहता है एक्स्ट्रा मिरर ग्लास के अंदर।
जो मिरर फिनिश होती है आपकी स्लाइडिंग डोर। और नीचे आप मैं थोड़ा आपको नीचे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको कंट्रोलर मिलने वाला है वो सब जीरो का मिलेगा, वो भी डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर मिलेगा। तो इसका मेन बेनिफिट यही है कि आप अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट थोड़ा दूसरे टाइप का, तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इसको टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, और वो भी डिजिटली आपको पता रहेगा कि कितना टेम्परेचर पे कट हो रहा है, कितने पे इन हो रहा है। और लाइट के लिए हमने जो ऊपर की जो सारी लाइटें हैं उसके लिए सेपरेट बटन दिया हुआ, और कंप्रेसर के लिए आपका सेपरेट बटन रहने वाला है। ऐसा ही सेम इसके अंदर आपका होने वाला है और बाकी भी सभी के अंदर होना है। मैं कोशिश करूंगा जहां पे ये डिस्प्ले काउंटर लग रहे हैं वहां पे जाऊं और विजिट करके आपको पूरा दिखाऊं जो फ्रंट, क्योंकि इसके जो आगे का जो पूरा एसएस का है ना, मेन रीजन एसएस का रहने का ये है कि उसके आगे जो फेशिया एक बनेगा जो कि वुडन शेप के अंदर रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आगे का फेशिया जब वहां पे बनेगा तो ये जो सारे काउंटर है ना वहां पे जो सामने से क्लाइंट आएगा तो उसको एक जैसे लगेंगे कि मतलब एक ही पीस के अंदर ये सारे काउंटर लगे हुए हैं देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड का जो कि आपका डिस्प्ले काउंटर है, जो ये प्लेन रहने वाला है। इसके अंदर भी आपके हमने नीचे स्टोरेज स्पेस निकाल के दिया हुआ है, जिसमें आपका कोई भी जैसे कुछ सामान होता है एक्स्ट्रा जो आपको स्टोर करना है नीचे, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर अभी स्लाइडिंग डोर नहीं लगा, वो एक्चुअली क्या था कि अभी वीडियो बनाने तो ये जाने का थोड़ा टाइम हो रहा था, ये वहीं पर लगना है, तो इस वजह से यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर लगना है, वो अभी लगा नहीं है। जैसे ये स्लाइडिंग लगा सेम स्लाइडिंग नीचे की तरफ लगनी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे अगर कोई चूहे वगैरह या कुछ कॉकरोचेस वगैरह होते हैं तो वो कभी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, तो जो आपका कुछ सामान आपने यहाँ पे जो रखा है वो कभी ख़राब नहीं होगा, स्पॉइल नहीं होगा बेसिकली। तो ये डिस्प्ले काउंटर की हमारी खासियत रहती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग जो कंप्रेशर यूज़ करते हैं, हम टिकम शाह डेनफोसिस वगैरह यूज़ नहीं करते, हम लोग शुरू से इमर्शन कॉपलैंड यूज़ करते आए हैं, और सारी जो इसकी कंप्रेशर की सीरीज़ है वो सारी कमर्शियल सीरीज में रहने वाली है, कोई डोमेस्टिक रहने ही नहीं वाली। और इमर्शन का जो मेन वैसे भी काम है वो सारा कमर्शियल के अंदर है, आप काफ़ी नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इमर्शन कॉपलैंड के कंप्रेशर कितने हाईली मतलब कॉस्टली तो पड़ते ही हैं, मगर मेन बात होता है कि कस्टमर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहती है जो मेरा क्लाइंट है वो कभी सफ़र ना करे। इवन आप कोरियन से लें, ग्लास से लें, आगे का फ्रंट का ग्लास लें, हर जगह आपने देखा होगा कि मेरे पास जो क्वालिटी प्रोडक्ट लगा हुआ है वो सारा टॉप क्वालिटी का लगा होगा। इवन आप देखेंगे और भी डिस्प्ले काउंटर, जैसे वो जा रहा है आपका पीछे की तरफ आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये हम लोग भी पैक करके पूरा, जैसे आप आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सारा जो है थर्माकोल के साथ पैकिंग करके अपना जो क्लाइंट के पास जाएगा वो उसके हिसाब से जाएगा, ताकि वो अपना सामान जो है उसका सेफली उसके पास पहुंचे जहाँ पे भी ये दूर जा रहा है। एक मैं डिस्प्ले काउंटर आपको और दिखाता हूँ, यहाँ की तरफ देखेंगे एक डिस्प्ले काउंटर जैसे अभी ये क्लाइंट का बना हुआ है, तो इसके अंदर फ्रंट के अंदर इसमें भी गोल्डन आप देखेंगे जो बॉर्डर है आपके आगे की तरफ गोल्डन दिया हो, और आगे नीचे की तरफ जो है वो विनाइल प्रिंटिंग आपकी हुई हुई है। तो हर किसी क्लाइंट के हिसाब से, जैसे इसमें एरा केक्स है, आपका कुछ नाम है तो अपने ब्रांडिंग अपने हिसाब से आप करवा सकते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरे कस्टमाइजेशन का आपको देते हैं ऑप्शन, आपको किसी भी टाइप की कस्टमाइजेशन आपको चाहिए अपने हिसाब से तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और डिस्प्ले काउंटर काफ़ी वेराइटीज़ हमारे पास होती हैं, तो आप आइए विज़िट कीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो टाइमिंग आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि 11 to 6 रहने वाले, सुबह 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, संडे वीकली हमारा ऑफ होता है। तो कोशिश कीजिए आप मंडे टू सैटरडे आप कॉल कीजिए 11 to 6 के बीच में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आकृति इंडस्ट्रीज, गुड बाय।